हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है पांचवी कक्षा की हिंदी की क्लास में। पिछले सेशन में हमने पाठ 12 ऊटी की सैर इसकी चर्चा की थी और इसके श्रुतलेख, शब्दार्थ और मुहावरा ये मैंने आपको गृह कार्य में दिया था। आज हम इसके अभ्यास की चर्चा करेंगे जिसमें पहला दिया है पाठ ज्ञान कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। प्रश्न एक, नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मौखिक स्पीकिंग स्किल्स, प्रश्न का भानुप्रिया ने किसे पत्र लिखा है, तो शुरुआत में ही दिया है यहाँ प्रिया नंदिनी, तो किसको लिखा है, नंदिनी को। तो इसका उत्तर आएगा भानुप्रिया ने अपनी सखी नंदिनी को पत्र लिखा है। फिर प्रश्न ख, टॉय ट्रेन कितनी गुफाओं से होकर गुजरती है, इसका उत्तर है टॉय ट्रेन 13 गुफाओं से होकर गुजरती है। प्रश्न ग, भानुप्रिया ने कौन सी झील में बोटिंग की, इसका उत्तर है भानुप्रिया ने ऊटी झील में बोटिंग की। फिर इसके बाद दिए हैं लिखित प्रश्न राइटिंग स्किल्स। प्रश्न का ऊटी में पूरे साल मौसम कैसा रहता है, तो ऊटी में पूरे साल मौसम सुहावना रहता है। फिर प्रश्न ख, ऊटी शहर कौन सी पहाड़ियों पर बसा है, इसका उत्तर है ऊटी शहर नीलगिरी की पहाड़ियों पर बसा है। फिर प्रश्न ग, ऊटी कौन कौन सी चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है, इसका उत्तर है ऊटी चाय, हाथ से बनी चॉकलेट और खुशबूदार मसालों के लिए प्रसिद्ध है। फिर दिया है भाषा ज्ञान ग्रामर स्किल्स, पढ़ो और समझो, रीड एंड अंडरस्टैंड। सुहावना मौसम, जंगली पशु, रंग बिरंगे फूल, विशाल चट्टान, खुशबूदार मसाले, स्वादिष्ट इडली। तो बच्चों ये सभी नामों के आगे विशेषण जुड़े हैं, ये विशेषण है और ये क्या है, संज्ञा है। तो ये सभी संज्ञाओं के आगे विशेषण जुड़े हुए हैं। मौसम कैसा, सुहावना। पशु कैसा, जंगली। फूल कैसे थे, तो रंग बिरंगी। चट्टान कैसी, विशाल। मसाले कैसे, खुशबूदार। और इडली कैसी, तो स्वादिष्ट। वैसे बच्चों ये सभी विशेषण है जिसको हम इंग्लिश में एडजेक्टिव्स कहते हैं। यहाँ जो दिया है सुहावना, जंगली, रंग बिरंगे, विशाल, खुशबूदार, स्वादिष्ट, ये सभी विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, जैसे कि बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, टेढ़ा मेढ़ा, एक, दो आदि, ये सभी विशेषण हैं। इसके बाद प्रश्न दो में भी हरा, ऊंचा, लाल और दो, ये भी विशेषण है। ऐसे ही ये भी विशेषण ही है, मीठी, चॉकलेट, ठंडी, कुल्फी, खट्टी इमली, कड़वा करेला, गरम चाय, ये सभी चीज़ों की विशेषताएं बतलाते हैं, मतलब कि नाम की विशेषता बताते हैं, तो इसको विशेषण कहते हैं। इसके बाद भी यहाँ भी दिए हैं विशेषण, मीठा, स्वादिष्ट, गरम, चतुर, सफ़ेद, ठंडी, तो ये सभी विशेषण हैं। फिर प्रश्न दो, पढ़ो समझो और सही शब्द चुनकर लिखो, रीड अंडरस्टैंड एंड राइट द करेक्ट वर्ड। दो, हरा, ऊंचा, लाल, ये विकल्प दिए हैं, इसमें से चुनकर यहाँ उत्तर लिखने हैं। तो तोता हरा होता है, तो हरा तोता। पेड़ कैसा दिख रहा है, ऊंचा, तो ऊंचा पेड़। अनार कैसा है, लाल, तो लाल अनार। गुब्बारे कितने हैं यहाँ, दो, दो गुब्बारे। फिर प्रश्न तीन, शब्दों को उनके चित्र से मिलाओ, मैच द वर्ड्स विद देयर पिक्चर। मीठी चॉकलेट, ठंडी कुल्फी, खट्टी इमली, कड़वा करेला, गरम चाय। फिर प्रश्न चार दिया है, सोचो और लिखो, थिंक एंड राइट। मीठा शहद, स्वादिष्ट रसगुल्ला,
गरम जलेबी। चतुर खरगोश, सफेद रुई, ठंडी बर्फ। तो बच्चों आज के लिए ये अभ्यास की चर्चा हम यहीं तक रखते हैं, प्रश्न चार तक। आगे की चर्चा प्रश्न पाँच से हम दूसरे सेशन में करेंगे। आपका गृह कार्य आपको यही सब प्रश्न और उत्तर याद करने हैं और पढ़ने हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।